हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। तो पता है, नाइट में ना हमारे इतनी बारिश हुई, बहुत खतरनाक बारिश हुई। पूरा मतलब बादल जैसे के फट गए, इतनी बारिश हुई। यहाँ पे अभी भी बारिश हो ही रही है। बहुत ठंडा वेदर है हमारे यहाँ पे आज। साबुतारा वाला ठंडा ठंडा मौसम। आज मैं प्रिंसी को नहलाऊंगी, नहीं देखो पानी पानी जगह जगह पानी। तो अभी टाइम हो रहा है 10 और मेरा महादेव सुबह से नहा के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबू? ये लोग इंदौर जा रहे, उठे हैं 5 बजे से ही है और अब जा रहे हैं। चलो छोटू भाई, गाड़ी फिर हो फटाफट बनता हो, आओ 9 बजे रिटर्न आ जाना। ऐसे कभी रोज रेडी हो जाओ इतनी जल्दी जल्दी तो क्या हो जाए। जा रहे बेटा डेटा। चलो बाय बाय। तुम चले जाना मम्मी के घर। हाँ मैं चली जाऊँ, कैसे जाऊंगी मैं मम्मी के घर? ये नहीं था गाड़ी तब प्रिंसी। हाँ देखूंगी, नहीं तो खाना आ जाएगा। चलो चलो जाएंगे, उसके डेटा लेंगे, चली जाएगी वैसे जाएंगे। ये चली बेटा, डेटा लेंगे ही नहीं। देखो तुम चलाओ, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो और रुचि करो बाबू पेंट। जा रहा बेटा, बाय बाय गए। सो शिवाय चले गए और घर पूरा खाली हो गया। मैं और प्रिंसी बचे हैं। न खाना बनाना है न कहीं, सिर्फ कपड़े धोना है, पोछे लगाना है। काम तो हो गया। और नाइट में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत बुखार आ रहा था, सर दर्द कर रहा। सर तो अभी भी दर्द कर रहा है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा सर पर जितना ध्यान दो ना उतना दर्द करता है। हुआ तो अब चश्मा लगवाऊँगी मैं। शिवाय भी चले गए और घर भी खाली हो गया पूरा। मेरा सर इतना दर्द कर रहा था नाइट में, अब ऐसा होगा ना तो अब मैं जाके आँखों का पूरा चेकअप करवाऊंगी और चश्मा वगैरह जो भी होता है वो लगवाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था नाइट में। मैंने चंपी देखो कितनी करी, ऑयल कितना भरपूर लगाए मेरे सर में, बहुत ज़्यादा। शिवाय बोले तुम तो पूरे चंपू बन गए। मैं क्या करूँ यार, दर्द कर रहा सर, तो फिर तेल तो लगाना ही पड़ेगा। और इसको देखो, इसको भी सर्दी हो गई थी ना, तो दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच्चा दवाई नहीं पीता है ठीक से। सरसों का तेल लो और ये जो ताद आती ना यहाँ पे अच्छा मल दो और ऐसे ऐसे करके और अच्छे से मालिश कर दो यहाँ पे। और नोज़ी में डालना नहीं है, नोज़ में सिर्फ हाथ लेके ऐसा ऐसा लगाना है, डालना नहीं है। डालने से ना बच्चा एकदम पूरा बहुत भयंकर घबरा जाएगा। हल्का सा लगा देना और जो पसली आती है पेट पे, इस पे लगा देना और पैरों के तलवों पे लगा देना, सर्दी चली जाएगी। आप देख सकते हो प्रिंसी की पूरी सर्दी चली गई, मैंने सिर्फ 3 बार लगाया और पूरी सर्दी चली गई प्रिंसी की। अब उसको ना छींक आ रही है ना सर्दी, और आज भी अभी सोएगी ना तो और लगा दूंगी आज उसको। ओ मारे मत ना, कहीं तो ये इतना ऐसी मारती है ना, इससे भी मेरा सर दर्द करता है। कौन आया? आजा आजा अद्विक, अद्विक हाँ उसको सुलाई ना मैंने। हाँ हाँ वो सही, अंधेरे में कम्बल ओढ़ के। सो अभी हम जा रहे हैं घर, जा रहे हैं मम्मी आए हैं तो हम थोड़ा मार्केट हुआ तो जाएंगे, बट बारिश हो रही ना तो आज नहीं जाते मार्केट। चलो मम्मी लगाओ ताला, बोला बाहर अंदर का गेट तो लगाओ, पैरदान खसका बस मेरी थैली रखी कपड़े हम की ना। ओ
क्या हो गया अद्विक? अरे है पोछा लानी नानी गल आ गई तू तो तेरी नानी ते को लेने गई थी आज विदित गप्पा बेटा है तू ते को भी इतनी जल्दी हो गई। दादा क्या हाल चाल? ओ मिला बच्चा। और भाभी क्या हाल चाल? ए? मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, गला ठीक हुआ? कुछ खाने लगे? अभी 2 बज रही है और हम मार्केट जा रहे हैं। मेरा आधार कार्ड अपडेट करवाना है, आधार कार्ड में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नाम लिखा है बट सरनेम नहीं है, और उधर राशन कार्ड में नाम जुड़ गया, समग्र आईडी में नाम जुड़ गया, और इधर से कर्मा चल रहा है, उधर कुशवार उधर कर्मा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सरनेम्स की वजह से। तो अब जरा घूम आती हूँ मार्केट से। चलो मम्मी चले ना। मेरी गाड़ी का ना इंडिकेटर चालू हो गया और टूट गया, तो बंद ही नहीं हो रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से उसको दबा के ठोक पीट के बंद किया। और अब बैंक में आई हूँ, सब बोल रहे लंच टाइम है बट देखते काम हो जाता। अच्छा हम आए तो वहाँ पे भी हमारे फैन निकले, बोले कि विक्की भैया को बुलाओ, समझ गए हम कि हाँ फैन है, देख के हंस रहे थे। उन्होंने बोला सुबह 10:30 बजे आना, तब कल आऊँगी मैं शिवाई के साथ। हम इतना सारा सामान लेकर आए, गेट लगा दो भाई, बहुत सारा, वो भी क्या मम्मी का सर्फ वगैरह, इसमें सब सर्फ साबुन ही भरी है, लो पकड़ो करवा। आज मम्मी मुँह मीठा करेंगे सीताफलों से। ओहो आज कुछ नोटिस किया मम्मी तुमने? मामा प्रिंसी और उसकी मम्मा मैचिंग है, येल्लो येल्लो, हम तीनों येल्लो येल्लो है आज। भैया कदी लगी मम्मी सुधार लो तुम्हारे बेटे को, पापा को फोन लगाती ये घर लेता नहीं कि कुछ जल्दी जल्दी करती विक्की सीधा रे मोबाइल गिरा दिया नहीं ना, लाइट ऑन फोड़ देता है ये, मैं एक दिन पूरी लाइट ऑन फोड़ दूंगी, क्योंकि आज दिन फोड़ दी सही में नहीं तब इसको कहीं नहीं। सब प्रिंसी सोई है और अभी मैं थोड़ा जा रही हूँ शॉप पे, मैंने किराना का सामान लिया था तो पेमेंट नहीं दिया, तब पेमेंट देने जा रही हूँ। मेरे स्लीपर उसको सुला के जा रही हूँ, वो सोई है जब तक वो आती हूँ, वरना वो जगी ना तो मैं नहीं जा सकती, बड़ी मुश्किल से सोई है वो भी 6 बजे। घर पे ना आराम से सो जाती हूँ, 2 से 3 बार मैं सुला ही देती हूँ उसको, बट यहाँ पे ना चिल्ला चोट मस्ती वगैरह रहती है तो सो नहीं पाती है। मेरी गाड़ी वही खड़ी, बैटरी वाली गाड़ी है, 100 किलोमीटर आराम से चला लो, 2 से 3 दिन पूर जाती है। ये देखो ये आपको सेल दिख रहे होंगे, ये सारे डंडे, ये एल पे लुप झुप करता है ना तब हम चार्ज लगाते, 3 दिन हमको आराम से पुर जाती है ये। और शिवाय के लिए मैंने सेव लिया क्योंकि उनको सेव बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है ना खाना खाने से पहले सेव ही मांगते हैं। खाना कैसा लेके घूमना? उठ गए तुम, मम्मा को जाते देल नहीं और तुमको उठते देल नहीं भैया, ए का है ये? मम्मा जला कहीं जाएगी, तुम इतनी जल्दी उठ जाते हो। जाएगी आए ओ छुपकनी, हाँ रुक जाओ। कौन सा तुम तो कितने सुंदर लग लियो, मामा के पास अच्छी बेटी हो। आए है ऐसा ऐसा ना जगह ऐसा मैचिंग मैचिंग, ये टोपी विदित तुम्हारे काम की नहीं है, टकने हुए तुम और टोपी पहन ली बहन, और तेरी बता देगा। देखो मेरे को ये मारा इसने ऊपर से स्पाइडरमैन का, ये तो मारू लगी
नहीं लगी बेटा, नहीं लगी, आप गुड बॉय हो। आओ, ओह मेरे को नग गई। पता है मैंने अभी मेहंदी लगवा रही थी, थोड़ी सी लगी, एक या दो फ्लावर बने और ये रोने लग गई। तो मैंने बोला भाभी आप लगवाओ, इसको सुला दी। भाभी लगवा रहे थे और अच्छा हो मैंने नहीं लगवाई, नहीं थी और उड़ जाती। इधर भाभी अरे मेहंदी लग गई, आए लगवा लो तुम्हारी मजे। हमारा क्या है, हमारा तो बच्चा उठ गया है। भाभी तुम्हारा बच्चा अच्छा सबके पास ले लेता। दिया है हमने शुरू से उसके सबको। मैंने भी दिया है, दिखा है ना। मतलब असर है या पूजा मासी की संगति का असर है। पेट में थी ना ये, तब उसकी मासी और इसका भाई दोनों जन आए थे तो छाप छोड़ के गए। पूजा मासी इस पे छोड़ के गई है और माधव की उंगलियों पे छोड़ के गए। खुला खुला असर दिखता है भाभी, खुला खुला, इतना सा भी चेंज नहीं है। मासी इसके ऊपर छाप छोड़ गई और माधव उंगलियों पे छोड़ गया, और झेलना हमको पड़ रहा है इनको। आओ बोल गया, आओ सही है ना बेटा, बोल आओ। आज पता ये नहीं सोई तो नहीं सोई, पूरा दिन हो गया। अब भी सोई थी, 15-20 मिनट सोई, योगी और जग गई। इसके मामा ने पंखा बंद कर दिया था, इस वजह से जगी हूँ। नींद आ रही, इसको सुला देती हूँ मैं प्यार से। हाय फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है रात की 12 बज रही है और मैं अभी जस्ट इंदौर से आया हूँ। अब आपकी दीदी मेरे लिए खाना लगा रहे हैं, अब खाना खाएंगे। इंदौर में इतनी ठंड अभी से चालू हो गई कि सर्दी हो गई मेरे को। बाबू जल्दी खाना लाओ, भूख लगी। देखो मेरा बाबू उधर अभी साबू लगा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा खाना रेडी हो गया है। खिचड़ी मैंने बनाई है, मैंने भी नहीं बनाई है, होटल की खिचड़ी है। ये सेव और ये आपकी दीदी, ये अचार, वो पानी, बाबू प्याज, ये देखो मेहंदी, ये मेहंदी ना हमारी एक फैन है, उन्होंने बनाई है। देखो ये मेरा नाम उन्होंने, बहुत अच्छा लगा, स्पेशली थैंक यू सो मच। अरे बाबू ना बहुत अच्छी लगा के देते, बट पता है प्रिंसी ने परेशान किया, तो वो भी बड़ी मुश्किल से लगी। प्रिंसी आज पूरा दिन नहीं सोई। बच्चा किसका है, परेशान तो करेगा। चलो बाबू लाओ जल्दी। सो एक हाथ में मेरे को, ओ नो, सो एक हाथ में ना मेरे को मेरी फ्रेंड लगा कर चली गई थी मेहंदी। मैं आपको कैसे बताओ, देखो उधर के हाथ में लगी, ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को अभी लगा के दी है और ये हाथ में मैंने लगाई है मेहंदी। देखो कैसे लग रही है, मेरे को आती नहीं है, बट फिर भी मैंने मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत जैसी भी हुई लगा ली, यहाँ से तो मिट गई है। मैं कहीं मेहंदी सीखने नहीं गई हूँ, बट फिर भी थोड़ी बहुत ऐसी बना ली है, तो मैंने बिना देखे बनाई, देखी भी नहीं मैंने। जैसे यही घर से खाना खाया और प्रिंसी तो सो गई थी, लगा ली मेहंदी। अब एडिटिंग करना है, पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, 1:15 हो रही है। एडिटिंग भी करना है, कल बहुत ज़्यादा काम है मेरे को, क्योंकि करवा चौथ आ रही है। तो भाभी और हम जाएंगे थोड़ा मार्केट, तो हमको थोड़ी खरीदी करना है और बहुत सारा सामान लेना, मतलब इतने बिजी रहेंगे कल हम, क्योंकि समझ ही नहीं रहेगा हमको कल का दिन और परसों करवा चौथ, बहुत ही ज़्यादा बिजी। हेयर वॉश भी करना है, मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है। अच्छा मेरी तबीयत ठीक होगी, मैंने टेबलेट खा ली, वरना बीमारी रहती, नाइट में टेबलेट खा ली ना तो सुबह मेरे को ज़्यादा लगा ही नहीं कि तबीयत ख़राब हुई। देखो यार मेहंदी लगी तो है बट बिगड़ भी नहीं। ओ मेरे टैटू पे भी लगी, कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी में लगाई है क्योंकि प्रिंसी उठ जाती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा मेड गई। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ एक कमेंट आई थी मेरी फ्रेंड की है किसी की, मैंने नाम नहीं देखा, ऐसी ऊपर नोटिफिकेशन आई तो मैंने देख ली, उन्होंने कमेंट किया, कमेंट मैसेज आया था इंस्टा पे, उन्होंने बोला था दीदी आपने करवा चौथ पर अच्छे से मेहंदी वगैरह लगाना और बहुत अच्छे से रेडी होना, हमको आपका लुक देखना है। मेरे को उनका नाम नहीं याद है यार, नाम याद होगा ना तो मैं आपको करवा चौथ वाले ब्लॉग में बताऊँगी। तो तब उन्होंने बोला ना, तब मेरे मेहंदी वाले आए ही थे फ्रेंड मेरे,
वो आए थे तो मैंने बोला कि यार देख लो मेरी फ्रेंड ने फैन ने बोला है कि दीदी ऐसा ऐसा करना, मैं वैसा ही करूँगी। सो मेरा लुक आप ज़रूर देखना, मैं बहुत अच्छा लुक लूँगी। बस मेरा बेटा मेरे को अच्छे से रेडी होने दे तो वही बहुत, मैं पार्लर वगैरह नहीं जाऊँगी, मैं खुद ही रेडी हो जाऊँगी। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, अभी तक 50K भी नहीं हुए हैं मेरे। आप 50K कब करोगे? मैं लव स्टोरी का सेकंड पार्ट लाऊंगी और हुआ तो एक म्यूजिक वीडियो लेकर आऊंगी। सभी के लिए बाय बाय।